नमस्कार, द हिमालय नेपाल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बागवान भाइयों, आज मैं आपको जो हमने लास्ट ईयर ग्राफ्टिंग की थी ब्लैक एम्बर और डोआटे इन सब प्लम्स की, तो एक ही साल में इसमें जो फ्लोरिंग है हो चुकी है। अब ये दूसरी साल है इनका और लास्ट ईयर ही हमने ये ग्राफ्टिंग की थी। देखिए इसका ग्राफ्टिंग यूनियन, और यहाँ पे ये एक ही साल में इसमें जो फ्लोरिंग है वो हो चुकी है। तो जो प्लम की जो खास बात है वो यही है कि आपको अर्ली सैंपल्स इसमें आ जाएंगे। ये देखिए ये सारे जो स्प्राउट है फ्लोरिंग में हो चुकी है। हालांकि इस बार जो फ्लोरिंग है वो काफ़ी अर्ली हो रही है इसमें, क्योंकि जो ये क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा अर्ली हो रही है। तो अब देखना ये होगा कि इसमें फसल लगती है कि नहीं लगती। फ्लोरिंग तो हमें एक ही साल में, ये देखिए सारे स्प्राउट हो रहे हैं फ्लावर के रूप में। अभी मैं आपको डोआटे भी दिखाऊंगा, डोआटे में भी एक ही साल में जो है फ्लोरिंग हो चुकी है। आइए मैं आपको अब डोआटे दिखाता हूँ। ये कुछ ग्राफ्ट फॉर्च्यून के किए हमने इस बार। ये आप देखिए, बिल्कुल हमने जो प्लम की जो प्लांटेशन है वो बिल्कुल ऑफ साइडों में की हुई है। ये देखिए जो खेत की दड़े है इसमें कुछ भी नहीं लगता है, तो हमने इसमें प्लम की जो प्लांटेशन है वो की हुई है। ये मैं आपको अब डोआटे दिखाऊंगा। ये देखिए डोआटे में क्या बेहतरीन फ्लोरिंग हुई है। ये देखिए, ये एक साल का ये ग्राफ्टिंग के बाद प्लांट है, टॉप ग्राफ्ट ये हुआ है। ये देखिए क्या बेहतरीन इसमें ग्रोथ है, और एक ही साल में फ्लावर इसमें आ चुके हैं। तो जो वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन मकसद है वो यही है कि मैं आपको बताना चाहता था कि जो प्लम्स हैं इसमें कितनी अर्ली सैंपल्स आते हैं, कितना अर्ली रिटर्न है इसमें। ये देखिए, ये सारे फ्लोरिंग के रूप में इसमें पिंक बर्ड स्टेज कह सकते हैं इसको आप, इसकी अब ये टाइट क्लस्टर बना है, तो इसमें फ्लावर आना शुरू हो चुका है। कितने बेहतरीन फ्लोरिंग हो रही है, जो हर एक आंख है, जो प्लम की जो खास बात मैं देख रहा हूँ, जो हर एक आंख है, हर एक आंख में फ्लावर निकल रहा है, हर एक आंख में। अब देखना ये होगा कि इसमें कितनी फ्रूटिंग होती है। जब फ्रूटिंग होगी तब मैं आपके साथ एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। तो आपको मैं आज ये बताना चाहता था कि प्लम की खेती भी की ओर भी हमें जाना होगा। जब बागवानी करनी है तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस जो है उगाने होंगे, जैसे प्लम, पियर्स, सेब के साथ साथ इन सब सब फ्रूट्स पे भी हमें काम करना होगा। और ये तो आप देख ही रहे हैं कितने अर्ली सैंपल्स हैं इसमें। तो बागवान भाइयों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।